जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे कोर्स के बारे में जिसकी डिमांड आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीजेएमसी कोर्स के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि बीजेएमसी कोर्स क्या होता है, इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए होगी, इसको करने के लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से है, इसको करने के बाद में क्या क्या जॉब ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। तो पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपके बीजेएमसी को लेकर जितने भी क्वेश्चन है उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीजेएमसी कोर्स के बारे में। सबसे पहले फुल फॉर्म की यदि बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि आपका क्या है, जर्नलिज्म में आपको क्या है, बैचलर डिग्री है। अब यदि कोर्स ओवरव्यू की बात करें तो साथियों आपका ये क्या है, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसको सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। इसमें आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर में इसको कराया जाता है। अब बात करें इसमें क्या पढ़ाया जाता है, किस चीज की इसमें पढ़ाई कराई जाती है, तो साथियों इसमें पढ़ाई कराई जाती है जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सब इसमें कवर किए जाते हैं, जैसे आपका वीडियो एडिटिंग हो गया, आपका एंकरिंग हो गया, वीडियो शूट हो गया, फोटोग्राफी हो गया, तो जितने भी आपके टॉपिक हैं, एंकरिंग हो गया, इसके साथ साथ आपका रेडियो जॉकी का हो गया, तो वो सब सारी चीजें इसमें ट्रेनिंग कराई जाती है। ज्यादातर काम जो इसमें होता है वो प्रैक्टिकली ही होता है। तो साथियों काफी अच्छा कोर्स है। अब बात करते हैं कि इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए होगी, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो साथियों इसके लिए आपने अपना किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपना 12th कंप्लीट किया हुआ हो, 12th आपका पास आप होने चाहिए, उसके साथ साथ आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि आपके कम से कम 12th क्लास में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो आपका, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वहां पर 45% पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो वहां पर आपको 5% की छूट और मिल जाती है, यानी कि आपको 40% या 45% पर भी आपका एडमिशन हो जाता है। अब बात करें साथियों, कोर्स काफी अच्छा है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें साथियों एडमिशन प्रोसेस की, कि इसमें एडमिशन के लिए हमें क्या प्रोसेस चाहिए होगा। तो एडमिशन इसमें आपका 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका एडमिशन जो मेरिट बेस्ड, और एक होता है आपका एंट्रेंस बेस्ड, यानी कि एंट्रेंस देकर के आपका एडमिशन होता है, दूसरा कैसे होता है भी आपका मेरिट के बेस पे। यदि मेरिट की बात करें तो साथियों जो आपके 12th क्लास के मार्क्स होंगे उसके बिहार पर जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पर वो मेरिट तैयार करते हैं और उसके बिहार पर आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ कॉलेजों में आपका डायरेक्ट भी आपका एडमिशन हो जाता है, कुछ कॉलेजों में आपका मेरिट के बेस पर एडमिशन कराया जाता है। बहुत सारे जो आपके इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे आपका बहुत ही पॉपुलर आपका जो लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जैसे आपका SRM हो गया, IP यूनिवर्सिटी हो गई, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कराती हैं एडमिशन के लिए, तो वहां पर आप अपना एडमिशन दे सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट है कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों जो फीस होती है वो डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हैं। फिर भी इसकी जो फीस यदि हम बात करें एवरेज फीस की, तो 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए पर ईयर की फीस आपको देनी पड़ सकती है। हो सकता है इससे ज्यादा भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले रहे हैं। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। तो साथियों यदि आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो यदि आपको भी स्कॉलरशिप आप चाहते हैं कि मिले और आप उसकी कैटेगरी में आते हैं तो आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। इससे आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट है कि बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं, कहां से हमें एक कोर्स करना चाहिए। तो साथियों इसके लिए आपका सबसे पहला आप DU से कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और DU के कैंपस से भी आप कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों दूसरे कॉलेज है IIMR कॉलेज। यदि आपको NCR में करना है तो आप IIMR कॉलेज से कर सकते हैं, जो कि आपका कहां पर है, गाजियाबाद में स्थित है। तो कॉलेज में आपको जो देखना है वो 2 ही चीज देखनी है, एक कॉलेज का एकेडमिक कैसा है और वहां की प्लेसमेंट कैसी है। यही 2 चीज डिपेंड करती है आपको कॉलेज को सर्च करने में। अगर कॉलेज का एकेडमिक सही है और वहां की प्लेसमेंट सही है तो वो कॉलेज अच्छा है। बाकी चीजें अलग की बात है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो दूसरी चीजें हैं। आपको इन 2 चीजों को ही देखना है कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट और उस कॉलेज का एकेडमिक।
इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है अमेठी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा यहाँ का कोर्स है, काफी अच्छी प्लेसमेंट है, अमेठी से कर सकते हैं जो कहां पर है, नोएडा में है। इससे बेस्ट आप कर सकते हैं सिंबोसिस से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन यहां से आप कर सकते हैं जो कि कहां पर है, पुणे में है। इसके अलावा भी और काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, काफी सारे कॉलेजेस हैं। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है, आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डिटेल में वीडियो या उस पर आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि इसको करने के बाद में आपको जॉब कहां कहां पर जॉब मिल सकती है, क्या क्या जॉब मिल सकती है। तो इसके बारे में बात करें साथियों, तो यदि आप बीजेएमसी करते हैं तो जॉब ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके पास जॉब ऑप्शंस हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, यदि आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है तो आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, आप न्यूज एंकर बन सकते हैं, यदि आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे पूरा आपको अच्छा लगता है, आपको सामने बोलना अच्छा लगता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, न्यूज एंकर आप बन सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर आप बन सकते हैं, आप फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, यदि आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटो जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे जो आपको राइटर बनना है तो आप राइटिंग कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप किसमें जा सकते हैं, राइटिंग में जा सकते हैं, न्यूज एडिटर आप बन सकते हैं, इसके साथ साथ आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर आप बन सकते हैं, मीडिया कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, और आपका जो प्रोफेसर आप बन सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं। ये आपका एक ऐसा प्रोफेशन है, यदि आप बीजेएमसी कर लेते हैं तो आप अपना भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पेज हैं, जैसे आपका कश्यप जी का है, मनीष कश्यप जी का, और भी बहुत सारे ऐसे इस टाइप के पोर्टल हैं, आप यूसी यानी कि उल्टा चश्मा, बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो कि आपके लाखों रुपए कमा रहे हैं पर मंथ के। तो आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बीजेएमसी करने के बाद में। कैरियर बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो बीजेएमसी कोर्स के बाद में आपको जॉब के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इससे आगे बात करें साथियों कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिल जाती है। तो साथियों सैलरी डिपेंड करता है कि आपको प्लेसमेंट कहां मिल रहा है, किस आपको जो कंपनी में प्लेसमेंट मिल रहा है, किस आपको न्यूज में आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, तो आपके प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है सैलरी। यदि हम एवरेज सैलरी की बात करें तो फिर भी आपकी 3 से 6 लाख पर ईयर के आपको सैलरी मिल जाती है, यानी कि 3 लाख to 6 लाख पर एनम आपको सैलरी मिल सकती है। सैलरी की आपकी यहां पर कोई कमी नहीं है, सैलरी काफी अच्छी मिलती है। हो सकता है यदि आपके अंदर टैलेंट है तो इससे भी ज्यादा आपको सैलरी मिल सकती है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यथोचित बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।